हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम मुंबई। अभी मैं हूँ मुंबई के गेस्ट हाउस में एंड अभी जस्ट मुझे अभी निकलना है हाफ एन आवर टू वन आवर में मुंबई एयरपोर्ट के लिए, क्योंकि मेरी नेक्स्ट फ्लाइट अभी 1 बजे की है और मुझे 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुँचना पड़ेगा, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट है। फॉर्मेलिटीज़ में 2-3 घंटे लग ही जाते हैं दोस्तों। मैं फटाफट से ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ एंड ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकलते हैं फटाक से। चलिए, सी यू इन एयरपोर्ट। दोस्तों, मुंबई एयरपोर्ट हम लोग टाइम पे पहुंच गए थे। लग रहा था कि लेट हो जाएगा, बट 10 बजे तक हम लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंच गए थे। चेक इन एरिया में भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था, तो बहुत ही जल्दी चेक इन हो गया दोस्तों। चेक इन होने के बाद हम लोग फिर सिक्योरिटी चेक के लिए गए। सिक्योरिटी चेक में भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था और सिक्योरिटी चेक के बाद इमिग्रेशन फटाफट से हो गया, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं था दोस्तों। उसके बाद सिक्योरिटी चेक और इमिग्रेशन के बाद हम लोग बाहर आए एंड ये तो एक मॉल से भी बड़ा है दोस्तों। अगर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का देखोगे तो बहुत ही सुंदर बना है, बहुत ही अच्छा है। ये वर्ल्ड का एक टाइम पे नंबर वन एयरपोर्ट भी था दोस्तों। दोस्तों, बोर्डिंग के लिए हम लोगों को गेट नंबर 68 में जाना था, तो फटाफट से जाते हैं गेट नंबर 68। दोस्तों यही है गेट नंबर 68 और जो ब्रिटिश एयरवेज़ की जो फ़्लाइट है लंदन के लिए वो बिल्कुल टाइम पे है और टाइम पे ही बोर्डिंग हो गया दोस्तों। बोर्डिंग काफ़ी स्मूथली हुआ। नॉर्मली एमिरेट्स वगैरह में मैं देखा हूँ बहुत ज़्यादा रश रहता है, बट इसमें बहुत ज़्यादा रश नहीं था एंड स्मूथली मैं फ्लाइट पर चढ़ गया दोस्तों। एंड अभी जाता हूँ अपनी सीट पर और अपनी सीट पर चढ़ के मतलब अपनी सीट पर बैठ के बात करते हैं आप लोगों से। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने सीट पे और मुंबई से लंदन की जो दूरी है वो 9 घंटे 19 मिनट में तय करनी है। टोटल 7,000 किलोमीटर के आसपास है और मैप में मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोग हैं कहाँ पे और जाना कहाँ पे है दोस्तों। ये देखो दोस्तों, कुछ सेफ्टी डिमॉन्स्ट्रेशन के बाद जहाज़ अपने शेड्यूल टाइम में उड़ जाती है और अब मैं अभी स्क्रीन पे आपको दिखाता हूँ कि हम लोग लगभग 554 किलोमीटर तय कर लिए हैं और मैप में इतनी सी डिस्टेंस हम लोग। दोस्तों, ये है ब्रिटिश एयरवेज़ का वॉशरूम जिसमें इस टैप से ठंडा पानी, इससे गर्म पानी आता है। दो दो एयर फ्रेशनर रखे हुए हैं यहाँ पे और सामने में एक बड़ा सा मिरर है दोस्तों। और आप नीचे देखोगे तो कॉमोड है एंड ऊपर में इसके चाइल्ड केयर है दोस्तों, मतलब किसी बच्चे का अगर डायपर वगैरह चेंज करना हो तो उसके लिए ये अरेंजमेंट दिया हुआ है। चलिए, बाद में हमारा खाना आता है, ये मेरा फर्स्ट खाना है। दोस्तों, अभी हम लोग हाफ वे जर्नी तय कर लिए हैं और ये अभी आ गया हमारा सेकंड खाना, जिसमें चिकन बिरयानी बोला गया है और ये चिकन बिरयानी के नाम पर सादा चावल और सादा चिकन है, साथ में चना है और एक स्वीट है। देखिए दोस्तों, हम लोग मुंबई से लंदन की जो जर्नी है वो कंप्लीट कर लिए हैं और यहाँ से हम लोग अब उतर रहे हैं। यहाँ से उतरने के बाद हम लोगों को टर्मिनल 3 में जाना था। हम लोग टर्मिनल 5 में उतरे थे, तो टर्मिनल 5 से टर्मिनल 3 के लिए बस सर्विसेस है दोस्तों।
यहीं से हम लोग को टर्मिनल 3 के लिए बस मिलेगी, यहीं पे हम लोग खड़ा हुए थे। हम इसलिए बोल रहे दोस्तों क्योंकि मेरे साथ और 6-7 क्रू भी हैं और एक कैप्टन भी साथ में जा रहे हैं दोस्तों। खैर बस आई और बस में हम लोग चढ़ गए एंड बस भी 2 मिनट में दोस्तों वहाँ से टर्मिनल 3 के लिए रवाना हो गई। और करीब 10 मिनट के ट्रैवल कहने का मतलब 10 मिनट में हम लोग टर्मिनल 5 से टर्मिनल 3 में पहुंच गए थे दोस्तों। तो ये है हमारा टर्मिनल 3 का एरिया जहाँ पे फिर से सिक्योरिटी चेक हुआ यहाँ पे टर्मिनल 3 में। और हम लोग बढ़ गए डिपार्चर गेट्स की ओर, बट एयरपोर्ट लगभग खाली था दोस्तों। एंड 10:30 बजे वहाँ पे रात तक लास्ट फ्लाइट जाती है, फिर मॉर्निंग 6 बजे से फ्लाइट सारी चलती है वहाँ पे। बट अपना 12 घंटे का ले हुआ था दोस्तों। हे गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम एयरपोर्ट दोस्तों। कल टर्मिनल 5 से टर्मिनल 3 लोग आ गए थे और बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। हम लोग यही सब बेंच में किसी तरह रात गुजारे दोस्तों, बिकॉज जो लंदन से जिब्राल्टर की जो नेक्स्ट फ्लाइट है वो करीब करीब 12 घंटे बाद थी दोस्तों। मतलब 12 घंटे का लेबर था और 12 घंटे को पे कर दिया। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी मैं हूँ लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट में और बज रहे अभी सुबह के 5:30। और सुबह सुबह मैं आप सबको एक ध्यान दे दूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम लंदन आ रहे हैं या फिर फर्स्ट टाइम यूनाइटेड किंगडम कहीं पर भी आ रहे हैं और अगर आपको धोने की आदत है तो आपको कोच के ही काम कराना पड़ेगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपके वॉशरूम में आके टॉयलेट में कोई भी पानी नहीं, कोई भी आपका वाटर पॉकेट नहीं, सिर्फ टिश्यू पेपर है। आपको कोच के ही काम कराना पड़ेगा दोस्तों। जैसे तैसे रात कटी, किसी तरह रात काटा हम लोगों ने और 6:55 की हम लोग की नेक्स्ट फ्लाइट थी जिब्राल्टर के लिए। और 6 बजे गेट डिसाइड हुआ जो कि गेट था गेट नंबर 3, तो हम लोग चल पड़े गेट नंबर 3 की तरफ। दोस्तों बोर्डिंग हो चुकी है और सामने में ये जो फ्लाइट देख रहे हो आप, इसी से हम लोगों को जिब्राल्टर जाना है। तो चलिए फटाफट से जहाज पे चढ़ते हैं दोस्तों, फ्लाइट में चढ़ते हैं। दोस्तों मैं थका हुआ चेहरा लेके फ्लाइट पे चढ़ गया और ये जो फ्लाइट है वो छोटी फ्लाइट है। वो जो मुंबई से लंदन वाली जो फ़्लाइट थी वो एक रो में 10 सीटें थी, इसमें 6 सीटें हैं दोस्तों।